गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो अगर आप विंटर लद्दाख ट्रिप करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा आप लास्ट तक ही देखिएगा। आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में कि आप कैसे विंटर में आप लद्दाख ट्रिप कर सकते हैं। बेसिकली जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो तीन चार फैक्टर्स होते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना होता है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन, कि अगर आप किसी प्लेस पर जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, बाय फ्लाइट, बाय बस और बाय पर्सनल व्हीकल। सेकंड थिंग होता है कि आप वहाँ पे स्टे कहाँ पे करेंगे। थर्ड मेन थिंग होती है फूड, और चौथी मेन चीज़ होती है प्लेसेस टू विजिट, कि आप अगर किसी जगह जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे कौन कौन सी जगह कवर करनी चाहिए और आप वहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप विंटर लद्दाख करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट, सबसे कन्वीनियंट आपके रहेगा फ़्लाइट। तो मैं अभी जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो दो पर्सन के हिसाब से दूंगा। विंटर में सोलो ट्रैवलिंग बहुत कम लोग करते हैं, तो मैं जो भी आपको बजट बताऊंगा और जो भी अकोमोडेशन मैं आपको बताऊंगा वो दो पर्सन के हिसाब से बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप कितने लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं जिससे आपका बजट मैनेज हो जाए। तो अगर आप लद्दाख जाते हैं, अगर आप नवंबर एंड में या दिसंबर स्टार्टिंग में जाते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फ्लाइट। फ्लाइट अगर आप एक से दो महीने पहले बुक कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 7,000 पर हेड आपको दिल्ली से ले की फ़्लाइट आपको मिलेगी राउंड ट्रिप। और आप देख लीजिए, अगर आप दो लोग जाते हैं तो अराउंड 14,000 टू 15,000 मैक्स। बट अगर आप पहले बुक कर लेते हैं दो महीने पहले, तो शायद ये आपको 13,000 से 14,000 में आपको ये दो पर्सन के हिसाब से राउंड ट्रिप आपको पड़ जाए। सेकेंड थिंग, अगर आप विंटर में लद्दाख जाते हैं तो फर्स्ट डे तो आपको रेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट डे ही ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि आपको माउंटेन सिकनेस या दूसरी हेल्थ इशू वहाँ पे आए, जो कि हमारे साथ सेकेंड डे हुई थी। तो ट्राई करिएगा, जब भी आप प्लान करते हैं लद्दाख का, तो एटलीस्ट एक दिन या दो दिन बफर में लेके चलें, इन केस अगर हेल्थ इशू आता है तो आपके पास सफिशेंट टाइम रहें। क्योंकि अगर आप एक दो दिन बफर में लेके नहीं चलते और इन केस अगर हेल्थ इशू आ जाता है, किसी भी वजह से अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या कुछ भी इशू आ जाता है हेल्थ, तो आपके पास एक दो दिन का बफर टाइम रहे ताकि आप वो कवर कर सकें। क्योंकि फ़्लाइट टिकट होगी तो आपको जो टाइम पे आपकी रिटर्न टिकट होगी वो आपको आना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आप जो प्लान करके जा रहे हो लद्दाख, वो सारा पार्ट आप कवर ना कर पाए। तो फ़्लाइट का मैंने आपको बता दिया, बेस्ट ऑप्शन फ़्लाइट है अगर आप नवंबर एंड में या दिसंबर स्टार्टिंग में जाते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप लद्दाख जाते हैं तो आपको स्टे का करना है। एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ, क्योंकि लद्दाख में अगर आप नवंबर एंड में या दिसंबर के टाइम पे जाते हैं तो एक्सट्रीम विंटर रहता है। टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए मिनिमम -10 डिग्री, 15 डिग्री और 20 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंड करता है वेदर के अकॉर्डिंग, आपको मिल सकता है। तो आप नॉर्मल होटल में रुकेंगे तो आप वहाँ पे स्टे नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप उस होटल में, गेस्ट हाउस में स्टे करिएगा जहाँ पे सेंट्रलाइज हीटर हो। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप इस टाइम पे जाते हैं तो आपको बहुत कम होटल्स या गेस्ट हाउस आपको मिलेंगे जिसमें सेंट्रलाइज हीटर होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सेंट्रलाइज हीटर जिस होटल में हैं, अगर आप उसमें स्टे करते तो कितना चार्ज लगेगा। अगर आप ले में रुकते हैं तो आपको मान के चलिए 2700 to 3000 एक दिन का आपको एक रूम का चार्ज आपको लगेगा। उसके अलावा हमने सर्किट किया था ले टू खारदुंगला, खारदुंगला टू डिस्किट और डिस्किट से पेंगोंग और पेंगोंग से वापस ले। फर्स्ट दिन हमने जर्नी स्टार्ट की ले से खारदुंगला। खारदुंगला में हार्डली 30 मिनट्स और 40 मिनट्स हमने स्पेंड किया, क्योंकि वहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो रहा था, वहाँ पे एक्सट्रीम विंटर था और ज़्यादा टाइम हम वहाँ पे स्पेंड नहीं कर पाए। और वहाँ से हमें हार्डली 30-40 मिनट्स के बाद वहाँ से हमें निकलना पड़ा, क्योंकि ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी। हमने जर्नी स्टार्ट की थी मॉर्निंग में ले से, और खारदुंगला होते हुए हम डिस्किट पहुँचे शाम को। अगर आप इस टाइम कैब से जाते हैं तो आपको रोड पे आपको स्नो मिलेगी, तो थोड़ा ड्राइव करने में भी इशू आएगा। तो जो आपको 4 से 5 घंटे डिस्किट पहुंचने में लगते हैं, वो हो सकता है कि 6 से 7 घंटे हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जर्नी स्टार्ट करिएगा ले से, ताकि आप टाइम से पहुंच सके। अगर आप डिस्किट जा रहे हैं तो मैं आपको एक गेस्ट हाउस सजेस्ट करना चाहूँगा, का नेम है जम्बाला, और अच्छा गेस्ट हाउस है। एक अंकल और आंटी उस गेस्ट हाउस को चलाते हैं और उसके जो चार्ज बहुत सही चार्ज है, मतलब वो पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो उसका जो चार्ज है 1200 पर पर्सन है, और जिसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड है। तो बेस्ट ऑप्शन वही है, क्योंकि एक तो अगर आप विंटर के टाइम पे डिस्किट में जाते हैं तो बहुत ही कम आपको गेस्ट हाउस या होटल आपको मिलेंगे,
और मेरे अकॉर्डिंग जंबाला बेस्ट था हमारे लिए, क्योंकि 1200 में पर पर्सन के लिए ब्रेकफास्ट डिनर और वहाँ का फूड भी बहुत अच्छा था। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप डिस्क्रिट जाते हैं तो आप 2 से 3 दिन का प्लान करें। फर्स्ट डे आप लेह से डिस्क्रिट पहुँचेंगे, उस दिन आप रेस्ट करें। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग तुरतुक और थांग के लिए आप निकलिए जितना जल्दी हो सके, ताकि आप इवनिंग में जल्द से जल्द वापस डिस्क्रिट में पहुँच जाए। थांग जो विलेज है वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो एक छोटा सा विलेज, तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वो हमसे मिस हो गया क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डेज ही बचे थे, तो हम वो कवर नहीं कर पाए। बट अगर आप जाते हैं तो आप मान के चलिए कि फर्स्ट डे आप लेह से डिस्क्रिट पहुँचते हैं, सेकेंड डे आप ट्राई करिए कि अर्ली मॉर्निंग आप थांग और तुरतुक कवर करके शाम तक वापस आ जाए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डिस्क्रिट मॉन्स्ट्री है और दलाई लामा के अवतार का स्टैचू है वो आप जाएँ, और उसके बाद आप सैंड ड्यून्स जाएँ जहाँ पे आप बैक ट्रेन कैमल राइड आप कर सकते हैं, और विंटर में आपको लिमिटेड ही कैमल्स मिलेंगे आपको वहाँ पे, बट वो राइड जो आप करेंगे वो अमेजिंग है, तो आपको मज़ा आएगा। ATV राइड आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे विंटर में क्योंकि क्लोज होता है इस वजह से। नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग डिस्क्रिट से आप जाइए पेंगोंग। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे डिस्क्रिट से पेंगोंग के लिए, शोक रिवर जो है वो आपको देखने को मिलेगी और बहुत अमेजिंग है। कुछ प्लेसेस में तो उसका जो फ्लो मिलेगा आपको बहुत अमेजिंग मिलेगा, मज़ा आएगा। तो अगर आप चाहें तो 10-15 मिनट के लिए आप वहाँ पे रुक सकते हैं। उसके बाद आप पेंगोंग ऑलमोस्ट 4.5 से 5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे दुर्भुख होते हुए, और अगर आपकी किस्मत सही रही और अगर सूर्य देवता मेहरबान रहे उस दिन, तो हो सकता है कि जो उसका नेचुरल कलर है पेंगोंग लेक का वो आपको देखने को मिले। हम जब गए थे वेदर बहुत क्लाउडी था, तो इस वजह से हम जो उसका नेचुरल कलर है वो हम देख नहीं पाए। ऑलरेडी मैं 2-3 बार लद्दाख जा चुका हूँ, तो मैं उसका जो नेचुरल कलर है वो ऑलरेडी देख चुका हूँ, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ जब मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि क्लाउडी वेदर की वजह से जो उसका नेचुरल कलर है वो मैं देख नहीं पाया। तो हार्डली 30-40 मिनट्स हम वहाँ पे रुक पाए क्योंकि ठंड थी प्लस खतरनाक विंड चल रही थी, इस वजह से ज़्यादा देर हम वहाँ पे रुक नहीं पाए। वहाँ से फिर हम वापस से दुर्भुख होते हुए लेह शाम को पहुँच गए। उसके बाद आप अपने लेह में जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हैं आप वहाँ पे पहुँचे, खाना वाना खाएं, रेस्ट करें। नेक्स्ट डे आप ट्राई करें कि मॉर्निंग में 7-8 बजे अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करें, उस दिन आप पूरा ले कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जर्नी स्टार्ट करें हॉल ऑफ फेम, उसके बाद मैग्नेटिक हिल, उसके बाद आप पत्थर साहब गुरुद्वारा, उसके बाद आप जाएं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडस एंड जंस्कार रिवर। अच्छी जगह है, वहाँ का जो व्यू है बहुत अमेजिंग है, अच्छा लगता है वहाँ जाना, तो आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो कवर करने के बाद आप वापस से रिटर्न आ जाएं, और आप चाहें ले पैलेस जा सकते हैं जहाँ से आप पूरा ले सिटी को देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके उस टाइम है तो शेम मॉन्स्ट्री भी जाइए, बहुत पीसफुल आपको फील होगा वहाँ पे। शेम मॉन्स्ट्री जाने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो शांति स्तूप जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको ले का अच्छा व्यू मिलेगा। थोड़ा टाइम स्पेंड करके आप वापस से रिटर्न आ सकते हैं, ले मार्केट आप घूमिए, और उसके बाद रिटर्न अपने होटल में या फिर गेस्ट हाउस में आप आ सकते हैं। तो अब मैं बजट की बात करूँ, फ़्लाइट का बजट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पर हेड मैंने आपको बता दिया है अप्रॉक्सीमेटली 7000 लगेगा, डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी फ़्लाइट बुक करते हैं। सेकंड अगर स्टे की बात करूँ, तो अगर ले में स्टे करते हैं और आपको अगर रूम में सेंट्रलाइज हीटर चाहिए, तो आप मान के चलिए 2700 से 3000 पर डे का आपको चार्ज लगेगा। डिस्क्रिट की बात करें तो डिस्क्रिट में मैंने आपको बता दिया जंबाला गेस्ट हाउस 1200 पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लगेगा, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड है। अब बात करते हैं फूड की, तो डिस्क्रिट के बारे में आपको मैंने बता दिया कि आपका अगर जंबाला में आप रुकते हैं तो 2 से 3 दिन अगर आप रुकते हैं तो 1200 पर डे के हिसाब से पर पर्सन के हिसाब से उसमें आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड होगा, तो आपका तो फूड का पैसा तो ऑलमोस्ट उसमें बच ही गया है जितना दिन आप डिस्क्रिट में रुकते हैं। लेह में अगर बात करते हैं, अगर आप 2 से 3 दिन रुकते हैं तो आप मान के चलिए कि अगर आप 2 पर्सन हैं तो हार्डली 3000 अप्रॉक्सीमेटली आपको फूड की कॉस्ट आएगी। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, तो हमने जो सर्किट किया था, अगर आप वो सर्किट करना चाहते हैं ले टू खारदुंगला, खारदुंगला टू डिस्क्रिट, डिस्क्रिट टू पेंगोंग, पेंगोंग टू ले, तो इसमें अराउंड आपको जो कॉस्ट आएगी वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 25,000 to 30,000। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे ले में तो आप थोड़ा नेगोशिएट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ लोग सोचेंगे कि हम अगर सोलो हैं तो बाइक से राइड कर लें, विंटर के टाइम पे अगर आप बाइक से राइड करते हैं लद्दाख में तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि आपको स्नो माउंटेंस मिलेंगे, रोड पे आपको स्नो मिलेगी। बहुत सी हमने देखे राइडर्स आए थे जिनकी बाइक गिर गई थी, तो ट्राई करिए कि आप बाइक से ट्रैवलिंग अवॉइड करें लद्दाख में, प्रॉपर राइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ठंड भी होगी,
तो अगर आप कैब से ट्रैवलिंग करते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है विंटर में लद्दाख ट्रैवलिंग करने का। अभी मैंने आपको बताया 1-2% के हिसाब से मैंने आपको बजट और आइटनरी बताई। ट्राई करिएगा कि अगर मिनिमम 4 लोग जाते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि देखिए फूड का, स्टे का, फ्लाइट का, वो तो आपको 2% के हिसाब से लगेगा ही। अगर मान लीजिए 2% और एक्स्ट्रा होते हैं तो आपका जो कैब का 25,000-30,000 रुपये लग रहा है वो 4 लोगों में डिवाइड हो जाएगा इक्वली, उसमें आप पैसा सेव कर सकते हैं। तो हम टोटल 5 लोग थे, तो अगर फ्लाइट की बात करें तो पर हेड हमें फ़्लाइट 7,500 राउंड ट्रिप पड़ी, प्लस कैब का हमें ऑलमोस्ट 25,000 पड़ा, जो कि 5 लोगों में इक्वली डिवाइड हो गया। स्टे का, फूड का भी इक्वली हम 5 में डिवाइड हो गया, तो ऑलमोस्ट हमारा जो बजट गया वो गया 95,000। मेरा एक्सपेक्टेड बजट था 1,20,000, तो ऑलमोस्ट हमारे 5 लोगों के ट्रैवलिंग की वजह से ऑलमोस्ट 25,000-30,000 हमने सेव कर लिए। तो ट्राई करिए कि अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो कम से कम 2 लोग और हो सके तो 4 लोग तो आप जाएं, ताकि आपकी जो ट्रैवलिंग है वो बजट में हो सके। सो गाइज, लद्दाख की ट्रैवलिंग सक्सेसफुली करने के बाद नेक्स्ट जो मेरा ट्रिप का प्लान है वो या तो सिक्किम है या नेपाल है। तो मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप लद्दाख आते हैं तो या तो आपको फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा आपको, और मान लीजिए अगर आपके पास सिंगल डोज सर्टिफिकेट है तो आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट चेक करवानी पड़ेगी जब आप एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। तो अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं होगी और सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका वहाँ पे RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे स्टेट की प्रीपेड सिम यहाँ पे नहीं चलती है, तो अपने साथ आप एक BSNL या एयरटेल की पोस्टपेड सिम जरूर कैरी करिए, आपको जरूरत पड़ेगी उसकी। तो गाइस, वीडियो को मैं अब यहीं क्लोज करता हूँ। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी विंटर लद्दाख ट्रिप के लिए। और एक आपसे गुजारिश रहेगी, चाहे आप मेरा वीडियो देखें चाहे आप किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखें, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, ट्रस्ट मी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए, और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।